नमस्कार दोस्तों, यदि आप स्मार्टफोन या कोई भी फ़ोन यूज करते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत ज़रूर पड़ती होगी। किसी भी फोटो को पीडीएफ में कन्वर्ट करना या जो आपके पास पीडीएफ आती है उसमें नए पेज को जोड़ना, ये समस्या हर किसी के साथ आती है। आज मैं ऐसे एप्लीकेशन के बारे में आपको बता रहा हूँ जो आपके पहले से पीडीएफ भेजे हुए डॉक्यूमेंट्स में आपको कोई पेज भी जोड़ सकता है और आप अपने खींचे हुए फ़ोटो से पीडीएफ भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो मैंने एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ, उसका नाम है कागज़ स्कैनर। आप देखिए, मैंने इस पे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया है, बहुत ही छोटा सा एप्लीकेशन है। इसमें मैं क्लिक करूँगा, इस पे जो है ये देखो ऐसे ओपन होगा। तो फर्स्ट आपसे ये कुछ परमिशन मांगेगा, इसके बाद आपका फर्स्ट इंटरफेस ये दिखाई देगा। इसके बाद इस पे जो प्लस का ये आइकन है जो ग्रीन वाला, इस पे दबाएंगे तो आपके पास आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और जो आप फोटो जिस भी किताब की या किसी भी पेपर की आप फ़ोटो खींचना चाहते हैं उस पर आप फ़ोटो खींचेंगे, पीडीएफ बनाना चाहते हैं उसका फ़ोटो खींचेंगे। मैंने इसका खींचता हूँ। इसके बाद यदि आपको और एक पेज जोड़ना है, यदि आपको और नेक्स्ट पेज जोड़ना है तो आप नेक्स्ट इसमें पेज जोड़ सकते हैं, नेक्स्ट क्लिक करेंगे। इसके बाद यदि आप और पेज जोड़ना चाहते हैं आप नेक्स्ट पेज क्लिक करेंगे। मेरे इसमें तीन पेज जुड़ चुके हैं, ग्रीन वाला जो टिक है इस पे क्लिक करेंगे। इस पे दिखा भी रहा है तीन पेज हो चुके हैं। यदि आपको लगता है इसमें पेज में कोई एडजस्टमेंट होना चाहिए तो आप जो डॉट्स इसमें दिखाई दे रहे हैं 8 डॉट, इससे इसकी सहायता से आप अपने पेज को सही कर सकते हैं। आपने जितने भी पेज सेलेक्ट किए होंगे, क्लिक किए होंगे, वो सारे पेज इसमें सही करने के लिए, करेक्शन करने के लिए दिखाई देंगे एक बार। इसके बाद मैं इनको इन डॉट्स की सहायता से इन पर करेक्शन कर दे रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए मैंने इनको करेक्ट कर दिया है। इसके बाद ये आपसे पूछेगा आप कलर इसमें मैजिक कलर रखना चाहते हैं, ग्रे कलर रखना चाहते हैं या जो भी कलर आप रखना चाहते हैं उस पर। जैसे मैं अपने केस में मैजिक कलर बम चूज करता हूँ। अब आप देखिए इस पर डन करेंगे, ये देखिए बहुत ही अच्छा इस पर पीडीएफ आया है और जो है ये आप देख सकते हैं जैसा मेरा पेज मैंने खींचा था, ये देखिए आपका पीडीएफ बन चुका है। इसको यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या सेव एस पीडीएफ में। 66 MB का ये जो है तीन पेज का पीडीएफ बना है, या इसको इमेज टू गैलरी में इसको भी सेव कर सकते हैं, इसका रीनेम भी दे सकते हैं, मूव टू फोल्डर में किसी दूसरे फोल्डर में यहाँ से इसको मूव करा सकते हैं। और अगर ये सही आपका नहीं आया है कोई भी पिक्चर तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास पहले से पीडीएफ में है। जैसे मैं इसमें निकालता हूँ एक ये पीडीएफ मेरे पास पड़ा है, इसमें दो पेज हैं। इस पीडीएफ फाइल में मैं एक और पेज ऐड करना चाहता हूँ, यदि तो मैं एक पेज का फ़ोटो लूँगा इसी के साथ। ये देखिए मैंने एक फ़ोटो लिया, फ़ोटो क्लिक करेंगे। इसके बाद आप राइट वाला जो निशान है इस पर क्लिक करेंगे, मैंने क्लिक किया। अब आपके पास जितने भी पेज इसमें हैं सारे दिखाई देंगे, एक बार करेक्शन के लिए बोलेगा, आप इस पर करेक्शन करेंगे अगर आपको लगता है कि कोई करेक्ट होना चाहिए, नेक्स्ट करेंगे। आप अपने लास्ट में वो वाला पेज आया जो आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो आप देख पा रहे हैं मैंने इसको भी करेक्ट कर लिया है। अब आपका पीडीएफ कलर मांगेगा या आप ओरिजिनल रखना चाह रहे हैं या मैजिक कलर रखना चाहते हैं। मैंने मैजिक कलर पर क्लिक किया, इसके बाद आप डन करेंगे। आप देखिए आपके जो दो पेज पहले थे उसमें से एक और तीसरा पेज ऐड हो चुका है। आप इसको पीडीएफ में देखना चाहते हैं, पीडीएफ में क्लिक करेंगे, ये देखिए पीडीएफ में ये मैंने एक और पेज ऐड किया था। तो इस प्रकार आपके व्हाट्सएप पे या कहीं से भी भेजे हुए पीडीएफ फाइल को उसमें आप अपने तरफ से करेक्शन कर सकते हैं और नया पेज ऐड कर सकते हैं, और आप किसी भी फ़ोटो को डॉक्यूमेंट्स को आप जो है पीडीएफ बड़े ही आसान तरीके से बना सकते हैं।
तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।